हेलो, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी लिस्टिंग है आप सही से करो, सारे डिटेल्स डालो। तो इससे क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक रीच मिलती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं। तो एट द एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर सकते हो, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप और ऐसे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट लिस्टिंग आपके ई कॉमर्स बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जितने अच्छे से प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, जितने ज्यादा डिटेल्स डालोगे, उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिक रीच आपको मिलती है। तो आज के वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट लिस्टिंग करना है, क्या स्टेप्स बेसिकली फॉलो करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, पैनल दिखाता हूँ, उसके बाद हम लिस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो मैंने पहले से यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पैनल खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आए, आप भी देख सकते हो कि आप अगर सही से लिस्टिंग करोगे तो आपको अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होते हैं मेरे। मैं ट्राई करता हूँ जितना कम यूज करूँ उतना मैं ट्राई करता हूँ, बिल्कुल भी एड्स पे खर्चा नहीं करता हूँ मैं, फ्लिपकार्ट पे स्पेशली, ठीक है? तो सब आप लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग के लिए आप यहाँ पे लिस्टिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप एड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे। एड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है। एक आपको ऑप्शन मिलता है एड सिंगल लिस्टिंग और एड बल्क लिस्टिंग। आज के वीडियो में हम सिंगल लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? बल्क लिस्टिंग के बारे में हो सकता है मैं एक नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि बल्क लिस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक वीडियो में दोनों को डालना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो एड अ सिंगल लिस्टिंग पे हम जाने वाले हैं। तो एड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही कैटेगरी सिलेक्ट करो। आज के वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट कैटेगरी की लिस्टिंग करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर आप हमेशा अपने वर्टिकल में लिस्ट करते हो, अपनी कैटेगरी में ही लिस्ट करते हो। तो आज के वीडियो में मैं टी शर्ट की लिस्टिंग करने वाला हूं, ठीक है? तो आज हम फ्लिपकार्ट टी शर्ट लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट सर्च मारता हूँ, टी शर्ट यहाँ पे आ गया। मेन्स टी शर्ट, वुमेन्स टी शर्ट दोनों का ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे सिलेक्ट अ ब्रांड का ऑप्शन आएगा। अब सिलेक्ट अ ब्रांड में आपको क्या करना है, अपने ब्रांड का नाम डालना है, आप जो भी नाम से लिस्ट करना चाहते हो। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे माटू काट डाल दिया कि ऑब्वियसली मैं टी शर्ट नहीं सेल करता, तो जो मेरा ब्रांड अप्रूवल ऑलरेडी हुआ है मैं उससे ही लिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? वही आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के ब्रांड्स होते हैं, एक होता है ओपन ब्रांड। ओपन ब्रांड में क्या होता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा यूनिक होते हैं तो आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है? बट अगर कुछ कॉमन नाम है तो वहां पे ओपन ब्रांड नहीं मिलेगा आपको, वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि एक ब्रांड अप्रूवल के ऊपर वीडियो बनाऊं, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी वीडियो बनाऊं, जिससे आपको फ्लिपकार्ट का ब्रांड अप्रूवल इजिली समझ में आ सके, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, लिस्टिंग को आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे जाऊंगा, तो कुछ ऐसा पैनल मेरे पास खुल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है, राइट साइड में आपको प्रोडक्ट के डिटेल्स डालने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फोटोज डालने हैं। अब यहाँ पे 8 फोटोज तक आप डाल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको हर एक व्यू का फोटो दिया हुआ है, कि आप अगर चाहते हो तो यहाँ से रेफरेंस लेके फोटोज डाल सकते हो, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, आपकी जो दिया हुआ है वही डालना, आप अपने हिसाब से भी अपलोड कर सकते हो। ये एक जनरल जो फ्लो है उनका फोटोज का, वो आपको बताया गया है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके जो मैंने सैंपल फाइल बनाई है वहां से मैं ये फोटोज अपलोड कर दूंगा। तो ये मैंने फ्रंट व्यू कर दिया है, ये बैक व्यू, और ये साइड, ठीक है? तो ये तीन फोटोज मैंने अपलोड कर दिए। जनरली टी शर्ट के लिए 3 से 4 फोटो मैक्सिमम अच्छी लगती है, एक फोटो बिल्कुल भी मत डालिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ट्राई करिए 2 से 3 फोटोज एटलीस्ट आप डालो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा, तो मेरा जो फोटोज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने हैं प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले आप पहले सेक्शन में आएंगे एडिट के ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आपको सेलर SKU ID मिलेगा। अब SKU ID आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो मैं यहाँ पे BLCK डाल देता हूँ, ठीक है? बी अ ब्लैक टी शर्ट बेसिकली, मैंने इसका SKU ID डाल दिया। फिर यहाँ पे लिस्टिंग का स्टेटस डालना है कि आपको अभी एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, ठीक है? तो ये आपको एक्टिव पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। MRP आपको डालनी है 699, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सेलिंग प्राइस मैंने 299 डाल दिया है, या आप अपना प्राइस कैलकुलेशन करके डाल सकते हो, मैंने प्राइस कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि आपको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है। फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं है, बट एक बेसिक प्राइस कैलकुलेशन आपको वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर फुलफिलमेंट बाय सेलर, ऑब्वियसली
उसके बाद यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट वाला, ठीक है। तो ये दो के बारे में आपको समझा दूं। इन स्टॉक बेसिकली क्या होता है, इन स्टॉक मतलब जनरल डिस्पैच होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मीशो में रेगुलर डिस्पैच करते हो कि अगर आपको आज ऑर्डर आए तो आपको एक या दो दिन का टाइम मिलता है उसको डिस्पैच करने के लिए, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे इन स्टॉक नाम से हो जाता है, ठीक है। अगर आप इन स्टॉक डालोगे तो यहाँ पे आपको डेज का ऑप्शन दिखाएगा कि आप कितने डेज में डिस्पैच कर सकते हो। आप मैक्सिमम दो दिन डाल सकते हो, दो दिन तक आपको ऑर्डर को होल्ड करके रख सकते हो, उसके बाद डिस्पैच कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस कैसा होता है कि एक्सप्रेस में आपको सेम डे ऑर्डर डिस्पैच करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर 12 बजे दोपहर में भी ऑर्डर है तो भी आपको 3 से 4 बजे तक उसको डिस्पैच करना होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप लिस्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, आपके पास कितना स्टॉक है, उसके हिसाब से ही लिस्ट करें। क्योंकि अगर गलती से ऑर्डर आ गया और आप डिस्पैच नहीं कर पाए टाइम पे तो आपका अकाउंट खराब हो सकता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टॉक डाल देना है, शिपिंग प्रोवाइडर अगर आपको खुद शिप करनी है तो आप खुद से भी डाल सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट डाल देता हूँ। लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस और नेशनल डिलीवरी चार्जेस, ये बेसिकली हर एरिया के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस है जो आपको डालने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कस्टमर को फ्री शिपिंग दो तो आपको यहाँ पे 000 डाल देना है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फ्री शिपिंग में मुझे मेरा प्राइस नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे 30-20 रुपीज डाल सकते हो। बट बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्ज मत डालो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिलीवरी चार्ज देख के ही ऑर्डर नहीं करते प्रोडक्ट, तो ये चीज ध्यान देनी है। फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्लस का ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट प्लस बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जो भी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स होते हैं, जो रेगुलरली फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो फ्लिपकार्ट उनको प्लस मेंबरशिप दे देता है फ्री में, ठीक है। तो अगर आप ये प्लस लिस्टिंग करते हो, ठीक है, और अगर आपने शिपिंग चार्ज डाले हुए हैं तो भी फ्लिपकार्ट जो प्लस मेंबर्स है उनको शिपिंग चार्ज नहीं लेंगे, उनको जो रेगुलर प्राइस है उस पर ही ऑर्डर वो कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप प्लस नहीं डालते हो, नॉन प्लस लिस्टिंग डालते हो, तो हर किसी को सेम प्राइस मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्लस में लिस्टिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। फिर आपको प्रोडक्ट का वेट डालना है। तो फॉर एग्जांपल टी शर्ट का जनरल वेट 200 ग्राम्स तक होता है। फिर यहाँ पे पैकेट का साइज, पैकेज लेंथ आप डाल सकते हो, तो 12x2x10, ये बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसका डायमेंशन डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको HSN कोड सिलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टी शर्ट का प्रोडक्ट होता है उसका 5% में ही आता है, तो ये कॉटन टी शर्ट है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको टेक्स कोड जो है GST अपैरल या फिर GST 5% भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंडिया आपको डाल देना है। मैन्युफैक्चर आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप खुद का नाम डाल सकते हो, फिर अगर आप किसी और से ले रहे हो तो वो भी डाल सकते हो, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद का नाम डालोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर और पैकेज डिटेल से मैंने सेम नाम डाल दिया है, और यहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे 2 एरर्स आ रहा है, क्या है एरर्स, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एटलीस्ट 10 वर्ड्स का नाम डालना है मैन्युफैक्चरर और पैकेट डिटेल्स में, ये मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ग्रीन टिक आ चुका है, और फिर नेक्स्ट में जाना है आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप है, टाइप में बेसिकली कि कैसी टी शर्ट है, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक डाल देता हूँ, राउंड नेक टी शर्ट, स्टाइल कोड जो भी मैं डालना चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ। साइज आपको सिलेक्ट करना है स्मॉल, पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेरा सॉलिड है तो मैंने सॉलिड सिलेक्ट कर लिया, कलर ब्लैक, फैब्रिक ठीक है। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली डालने हैं, ताकि जो भी मतलब इसमें से आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें कंपलसरी है, बट ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप जो डिटेल्स डाल रहे हो वो परफेक्ट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ही हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्रॉस चेक करनी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे एक एरर आ गया, सॉलिड पैटर्न सॉलिड, और आई थिंक सब क्लियर है, पैक ऑफ मैंने नहीं डाला, तो यहाँ मैं पैक ऑफ 1 डाल देता हूँ। तो 14 आउट ऑफ 14 चेक हो सकते हैं, ग्रीन टिक हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल डिस्क्रिप्शंस का, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं डालते, एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग का, ठीक है। तो रिवर्सिबल नो, बेसिकली मतलब बहुत सारी ऐसी टी शर्ट आती है जो आप फ्रंट से ही पहन सकते हो, फिर उसको उल्टा करके ही पहन सकते हो, वो है। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में लिखना है। ट्राई करो आप जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सको, जितने ज्यादा कीवर्ड्स के साथ लिख सको। अब यहाँ पे जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कॉटन
टी शर्ट 180 जीएसएम बायो वॉश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर मैं यहां पे और भी लिख सकता हूं, कॉटन हंड्रेड परसेंट प्योर कॉटन फैब्रिक। तो इससे क्या हो रहा है, टी शर्ट का कॉटन टी शर्ट आ गया मेरा कीवर्ड, फिर यहाँ पे कॉटन फैब्रिक मेरा टी शर्ट आ गया यहाँ पे कीवर्ड, या फिर बायो वॉश अगर कोई सर्च करेगा तो वो भी मेरा एक कीवर्ड आ गया। तो ऐसे आप बहुत सारे कीवर्ड जो है वो अलग अलग लाइंस बना के अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर सकते हो। तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी विजिबिलिटी पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कीवर्ड आ गए। अब बेसिकली कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट डालूंगा, ठीक है, मेन्स टी शर्ट, तो अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी यूजर फ्लिपकार्ट पे जाके मेंस टी शर्ट सर्च करता है तो फ्लिपकार्ट आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट के टाइटल में और उसके कीवर्ड्स में मेंस टी शर्ट दिया हुआ है। अगर जो जो प्रोडक्ट उससे मैच करेंगे वो उसको फ्लिपकार्ट उसको विजिबल करेगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालते हैं, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट्स ही होते हैं वो, तो जैसे कि अभी ये ब्लैक टी शर्ट है तो कम से कम हजारों लोगों ने ब्लैक टी शर्ट डाली होगी। अब अगर आपको ऊपर दिखना है तो ट्राई करो कि आप जो कीवर्ड्स है उनका जो लेंथ है ना वो बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली मेंस टी शर्ट नहीं सर्च करते। यहां पे आगे जैसे कि ब्लैक टी शर्ट है तो मेंस ब्लैक टी शर्ट आप डाल सकते हो, ये एक अच्छा फ्रेज है। अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लैक या फिर व्हाइट या फिर ग्रे जो भी है सर्च करते, या फिर मेंस सॉलिड ब्लैक टी शर्ट, आप ये भी कीवर्ड्स डाल सकते हो। मतलब बेसिकली मैं आपको इस प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, आप ऐसे अपने प्रोडक्ट के लिए भी सोच सकते हो कि अगर आप खुद सर्च करोगे अगर फ्लिपकार्ट या फिर कहीं भी वो प्रोडक्ट, तो आप क्या एग्जैक्टली सर्च करोगे, क्या नाम से सर्च करोगे, तो आपको वही कीवर्ड्स यहां पे डालने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी थोड़े बहुत डिटेल्स है, जैसे की फीचर्स आप डाल सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि टी शर्ट में ऐसी कोई भी की फीचर्स वाली चीज है। फिर ट्रेंड आप डाल सकते हो, ठीक है, कि अगर आपका कोई ट्रेंड से रिलेटेड है या फिर कुछ है तो आप यहाँ पे वो चीज डाल सकते हो। फिर प्रिंट और पैटर्न टाइप, तो हमारा तो सॉलिड है तो सॉलिड मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्पोर्ट्स टाइप एनए आप डाल दो। प्रिंट कवरेज नन। टी लेंथ मीडियम। सेकेंडरी कलर ब्लैक। सील्स पैकेज वन पीस ऑफ कॉटन ब्लैक टी शर्ट, ठीक है। बेसिकली आपको डालना है कि आप जो पैकेट भेजोगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम टी शर्ट डाल रहे हैं तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर सरफेस स्टाइलिंग, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा यहाँ पे टी शर्ट में। स्लीव डिटेल्स यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जो इस टी शर्ट के हिसाब से वो डिटेल प्लेसमेंट यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो ये सारे डिटेल्स हमने डाल दिए, अब इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो गई लिस्टिंग। लेकिन अगर आप जैसे कि मैं जनरली किचन प्रोडक्ट्स में बता रहा हूँ तो वहां पे तो वेरिएशंस आते नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो वेरिएंट क्रिएट नहीं कर पाते प्रोडक्ट लिस्टिंग में, चाहे वो टी शर्ट का हो, चाहे शूज का हो, चाहे शर्ट का हो, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही साइज डालोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएंट क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, साइज एस ब्लैक कलर का। तो अगर मुझे एक वेरिएंट क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना है, क्रिएट अ वेरिएंट पे जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ब्लैक के पहले सारे साइजेस का कर दूं और फिर उसके बाद दूसरे कलर को ऐड करूं और फिर सारे साइजेस का करूं, या तो मैं पहले सारे कलर्स ऐड कर दूं, सारे कलर्स को स्मॉल में लिस्टिंग कर दूं, उसके बाद जाके मैं दूसरा करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक में मैंने स्मॉल की लिस्टिंग कर दी, अब मुझे इसमें लार्ज की लिस्टिंग करनी है, तो मैं क्रिएट अ न्यू पे जाऊंगा, सॉरी मीडियम की मैं कर लेता हूँ, स्मॉल किया हमने, क्रिएट किया मैंने, तो ब्लैक मीडियम ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, तो वेरिएंट रेडी टू बी क्रिएटेड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, सब कुछ डाला हुआ है, आपको खाली एसकेयू आईडी डालना है, एसके बी एल सी के टी एम डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा अगर डिवाइड करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एक्टिव एमआरपी आपको डालनी है, हर वेरिएंट के लिए आप अलग अलग प्राइस डाल सकते हो, आपको अगर ये नहीं पता है तो,
यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग प्राइस डाल सकते हो हर वेरिएंट के लिए, सेलर एक्सप्रेस स्टॉक आपको डालना है, फिर यहाँ पे 100। मतलब अगर आप एक बार लिस्टिंग कर देते हो, इस लिस्टिंग करते टाइम अगर आपने ये सारी चीजें डाल दी, एक बार आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गया तो वेरिएंट बहुत फटाफट आप ऐड कर सकते हो सिंगल लिस्टिंग में भी, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले से ही कॉपीड है यहाँ पे, तो सेव कर देना है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि आप सारी चीजें क्रॉस चेक करते रहो, जैसे कि यहाँ पे मीडियम आ गया है, आपने यहाँ पे डाल दिया था राउंड नेक सॉलिड ब्लैक कॉटन ब्लैक, ठीक है, तो ये सारी चीजें बराबर है। और फिर यहाँ पे ठीक है कीवर्ड्स बराबर है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी थी। अब आप ऐसे वेरिएंट्स अलग अलग टाइप के क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिर क्रिएट अ वेरिएंट पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक में हमने स्मॉल कर दिया है, मीडियम कर दिया, आप यहाँ पे लार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हो, और आपके इसमें और कलर्स है तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट न्यू कलर का नाम डाल सकते हो, फिर वो कलर का भी वेरिएंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत इजीली ऐसे वेरिएंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। टी शर्ट के लिए बताया, आप अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हो, चाहे वो कुर्ती हो शर्ट हो, आप अलग अलग चीजें के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेंड टू क्यूसी कर देना है, ठीक है। सेंड टू क्यूसी करोगे ऑलमोस्ट आई थिंक 8 से 10 घंटे के बाद ये क्यूसी का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्यूसी प्रोग्रेस होगा, क्यूसी पास हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। यहां से आपकी जो लिस्टिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट, और फिर एक बार लिस्टिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बेसिकली ऐसे आप फ्लिपकार्ट पे जो अपनी लिस्टिंग है उसको कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और मैंने जो बताया है वो स्टेप्स वो एक कैटेगरी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप किचन टूल्स के ऊपर बना रहे हो तो आप किसी और कैटेगरी की भी लिस्टिंग वगैरह करके दिखाओ, किसी और कैटेगरी के बारे में भी बताओ। तो इसके लिए मैंने टी शर्ट का प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि हर कैटेगरी का बता पाना पॉसिबल नहीं है लिस्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आज टी शर्ट का प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वेरियंट वगैरह क्रिएट करने में ही आती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इससे रेफरेंस लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सेम डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे हर कैटेगरी के लिए, हर कैटेगरी के हिसाब से डिटेल्स अलग होंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल डाल रहे हो वो आपके प्रोडक्ट से ही रिलेटेड हो, आपको कहीं और से कॉपी करके नहीं डालना है या फिर कहीं और से रेफरेंस लेके नहीं डालना है। आप ट्राई करो अपने प्रोडक्ट के ही डिटेल्स डालो, और कीवर्ड्स जो है वो ट्राई करो जितने बड़े फ्रेजेस आप डाल सको उतना अच्छा है। फ्रेजेस का मतलब ये नहीं है कि आप 3-3, 4-4 लाइन के कीवर्ड्स लिखने लग जाओ, आप ये देखो कि अगर आप खुद सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट तो आप क्या डालोगे ज्यादा स्पेसिफिक टर्म में, ठीक है। तो उससे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे और वो कीवर्ड्स को आप अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स में डाल सकते हो, क्योंकि छोटे कीवर्ड्स पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट किया होता है, तो उसमें अगर आपका नया अकाउंट है तो ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो इसके लिए लंबे कीवर्ड ज्यादा काम करेंगे आपके लिए। तो आई थिंक सो आपको समझ गया होगा कि फ्लिपकार्ट पे बेसिकली लिस्टिंग कैसे करनी है, क्या सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उन कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका डाउट सॉल्व करने का। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अकाउंट मैनेजमेंट की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया, आप वहां से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम भी टैग कर दूंगा तो आप वहां पे जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो ई-कॉमर्स रिलेटेड ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।